नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के एकमात्र भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेलफेयर के नई और फ्रेश वीडियो में। कोर्ट का सबसे बड़ा फैसला सभी केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है, क्योंकि कोर्ट ने बड़ा जबरदस्त आदेश दे दिया है और सरकार को उसे तुरंत लागू करने को कहा है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि कोर्ट ने सरकार को क्या आदेश दिया है और क्या फैसला सुनाया है कोर्ट ने पेंशन भोगियों और केंद्रीय कर्मचारियों के हक में। इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि आपके लिए नए और बेहतरीन वीडियो में से लाते रहें। कर्नाटक हाई कोर्ट ने 102 वर्षीय एक स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन रोकने और इस मामले में 3 बार मुकदमा करने के लिए मजबूर करने पर केंद्र और राज्य सरकार को कुछ अधिकारियों पर 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना कोर्ट ने लगाया है और कोर्ट ने जुर्माने के साथ 3,71,280 रुपये बकाया 6% ब्याज दर के साथ देने का आदेश जारी कर दिया है और साथ ही अदालत ने फैसला सुनाया है कि 2 सप्ताह के भीतर बकाया का भुगतान करना होगा। अगर 2 सप्ताह के भीतर अगर बकाया का भुगतान सरकार की तरफ से नहीं किया जाता है तो उसे 18% ब्याज दर के साथ इसका भुगतान करना होगा, जैसा कि इस कोर्ट की कॉपी में भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, मामला ये था कि स्वतंत्रता सेनानी कि जो पेंशन थी 1 नवंबर 2017 से 24 दिसंबर 2018 तक अनिवार्य जीवन प्रमाण पत्र जो प्रस्तुत नहीं करने के कारण उनकी जो पेंशन है वो रोक दी गई थी। तब वे 97 वर्ष के थे। पेंशन बहाल होने के बाद भी बकाया राशि जारी करने के हाईकोर्ट के 2 आदेशों के बावजूद बकाया का भुगतान नहीं किया गया। न्यायमूर्ति जी ने अधिकारियों की उदासीनता और याचिकाकर्ता के प्रति कर्तव्य में लापरवाही के लिए संबंधित बैंक को जिम्मेदार ठहराने के लिए फटकार लगाई और 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना भी बैंक और अधिकारियों पर लगाया गया है। कोर्ट ने कहा कि पेंशन कोई उपहार नहीं है, ये सामाजिक आर्थिक न्याय का पैमाना है, ये हाईकोर्ट ने कहा है। और 2 सप्ताह के भीतर इनका जो एरियर बनता है उसको देने का आदेश जारी किया गया है 6% इंटरेस्ट रेट के साथ। अगर 2 सप्ताह के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है तो 18% इंटरेस्ट रेट के साथ भुगतान करना होगा।